अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज भी हम बना रहे हैं ब्रेड के टोस्ट टाइप कुछ, और साथ में हम बना रहे हैं चाय टाइप कुछ। साथ में हम बना रहे हैं दो अदर एग्स एंड कुछ, और साथ में है हमारे पास ये कुछ पेस्ट में, और साथ में है सीरियल्स और कुछ और कुछ। तो ये बनेगा नाश्ता, तो लेट्स सी कैसा बन के आता है नाश्ता है इस गर्म। चले जी, और वो लगा हुआ है जी, वो लगा हुआ है जी वर्ल्ड कप 23। यस, न्यूजीलैंड एंड हमारी टीम का मैच है। किसका? न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। हाँ, हमारी टीम है। वी आर स्पोर्टिंग इंग्लैंड इन दिस वर्ल्ड कप। या इतने ब्रिटिश। जल्दी जी नाश्ता बनाते हैं और इंग्लैंड की टीम को जिताते हैं। इंग्लैंड इंग्लैंड ऐसे जाके, ठीक है। ये जी हमारा एग फ्राई हो रहा है, तवे को इग्नोर करें क्योंकि ये बस ऐसे ही है। और साथ में हमारी चाय बन रही है ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन इसको गिरने नहीं देना हमने, तो इसको जो है ना अच्छे तरह पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है मज़ेदार। थैंक यू। हियर आर आवर सीरियल्स विद रेजिन्स एंड हियर इज अ टोस्ट विद एग। इसको तोड़ के खुद खाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज ही बनने लगे है हलवा, और उसके लिए मैंने ली है एक कप, ये वाला कप सूजी का। ये वाली है जी हमारे पास सूजी, सूजी। और फिर हमने लिए हैं जी मिक्स नट्स में ले लिए हैं, और साथ में हमने कैशू नट्स ले लिए हैं। साथ में हमने लिया है जी अनसॉल्टेड ब्रिटिश बटर, हमारा बटर भी ब्रिटिश है। और ये हमने एक अदद पैन ले लिया है, इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर डालूंगी बटर और फिर डालूंगी सूजी, फिर दिखाती हूँ आपको। ये जी मैंने बटर डाल दिया है और इसके अंदर अब जा रही है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूजी। इतना ब्लॉक मैंने लिया है बटर का, ये ब्लॉक लिया मैंने अच्छा खासा, ज़्यादा लिया। अब पता नहीं इसके लिए काफ़ी होगा या और डालना पड़ेगा या ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं पता। अच्छा, इसका फार्मूला ये है कि इसके अंदर हमने एक कप सूजी ली है, तो एक कप चीनी जाएगी और चार कप पानी जाएगा, तो ये बन जाएगा। आयशु नहीं, इसको नहीं अभी, और नट्स नहीं खाने। तो जी मक्खन को पिघलाते हैं और सूजी को थोड़ा गोल्डन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। ये मक्खन थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया है, लेकिन उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह अम्मी बनाती हैं अंदर शोरबे की तरह जैसे नज़र आए। खैर लेट्स सी, अभी मैंने काफ़ी सारा हालांकि मक्खन डाला है, आधा तकरीबन तो डाल दिया मैंने, तो देखती हूँ और डालना तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और आज है जी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबको, सब मुसलमानों को ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जी अब हल्की आंच पे जो है मैंने थोड़ा सा मक्खन और डाला है, क्योंकि अम्मी को दिखाया है वीडियो कॉल पे तो उन्हें थोड़ा कम लग रहा था, अभी भी वो कह रही थी कि कम है, लेकिन मैंने कहा चलो अब जाने दो, इतना ही काफ़ी। इस तरीके से इसकी बुनाई हो रही है, जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो फिर जो है इसके अंदर चीनी डालनी है। ये
इस तरीके से हम अपने हलवे की जो है वो बुनाई करेंगे। थोड़ा इसका कलर चेंज होने देंगे और इसकी खुशबू आएगी। अभी भी इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखें इंटरनेट का कितना फ़ायदा है कि आप इतने दूर बैठे भी अपनों से रब्ता कर सकते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी। यहाँ पर लंदन में जितने भी देसी स्टोर्स हैं ना, उसमें हर पाकिस्तानी चीज़ मिलती है कि जो आप जौहर जुशानदा या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ सूजी और मैदे और शान के मसाले, जो भी चीज़ आप लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द ही क्वालिटी स्टोर पे जाऊँगी जहाँ से हम लेते हैं ऐसी चीज़ें, फिर आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं और क्या क्या हम जो देसी चीज़ें पाकिस्तान वाली सेम टू सेम वो ले सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर आती हैं लेकिन उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड होती हैं। तो खैर मैंने इसमें चीनी डाल के थोड़ा सा घुमाया फिराया और फिर उसके अंदर 4 कप पानी ऐड कर लिया और ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स। आशू को जी पहले वो जो इतना पानी था वो सारा आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है और इस तरीके से हलवे की थोड़ी सी शक्ल नज़र आ रही है। अभी इसको मज़ीद हमने इसकी बुनाई करनी है। इसका थोड़ा रेड रेड सा, इसका कलर भी थोड़ा मज़ीद रेडिश साइड पे होगा और ये जो है ना अपना ऑयल वो बिल्कुल छोड़ देगा। जो हमने इसमें मक्खन डाला है वो बिल्कुल देसी घी बन जाएगा और अलहदा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा जितना इसमें डला हुआ है वही। तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, मज़े का है और बिल्कुल खाने वाला है। और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उनका बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है, देखने में पता चल रहा है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। पाकिस्तान में ना मेरा एक शौक़ था कि मैं ना ऑनलाइन ड्रेसेस ना ब्रांड्स के ऑनलाइन ड्रेसेस मिलते हैं फेसबुक पे ऑनलाइन, वहाँ से मैं ऑर्डर करती थी। वो बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते थे जो कि होते ओरिजिनल ब्रांड के हैं, लेकिन वो जो है ना कोई पता नहीं कुछ डिफॉल्टेड पीस आई थिंक होते हैं या फिर कुछ जो है ना वो जो ब्रांड से ही वो कुछ ख़वातीन जो है ना वो ले लेती हैं और फिर वो थोड़ा सा ना कंसेशन पे थोड़ी सी लो प्राइस पे वो देते हैं, लेकिन होता ओरिजिनल ब्रांड है। वो बंदा इंटरनेट से भी उनके कोड्स वगैरह निकाल सकता है। तो वहाँ से वो मैं मंगवाती थी। तो मैं अभी भी अक्सर जो है ना फेसबुक पे वो देखती रहती हूँ। वो बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस होते हैं और यहाँ के मुकाबले में उनकी प्राइसेस बहुत कम होती हैं। यहाँ पे आपने अगर कोई मिनिमम रेंज में भी 3 पीस सूट लेना है ना, कमीज सलवार पाकिस्तान वाला, तो मतलब देसी स्टाइल में, तो वो आपको 25 पाउंड का कम अज़ कम मिलेगा, जो थोड़ा सा बेटर होगा। तो वैसे तो मैंने एक लिया था जे डॉट से, वो 62 पाउंड का था आई थिंक या 61 पाउंड का था। तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है यहाँ के लिहाज से, लेकिन जब पाकिस्तान में मैं ये सोच रही थी कि जब भी अब मेरा पाकिस्तान चक्कर लगेगा मैं ढेर सारे कपड़े ले लूँगी और इस तरह से ब्रांड के, तो यहाँ के मुकाबले में ऐसे होंगे कि बिल्कुल सस्ते हैं। अच्छा जी बातों बातों में हमारा हलवा जो है तकरीबन रेडी हो गया है। उसका ऑयल थोड़ा निकल आया है और मैं इसको जो है ना फाइनल पका रही हूँ कि जो मज़ीद इसकी कोई कसर ना रहे और ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये बहुत जो है ना सिंपल और बेसिक रेसिपी है। और इसमें मैं आपको बताना भूल गई, मैंने 2 इलायचियाँ भी डाली। जब मैंने चीनी डाली थी उस वक्त मैंने जो है ना इलायची डाली थी। और ये जी मैं आलू मटर पका रही हूँ, गाजर तो नहीं है। अब जो जा रही हूँ मैं आयशे जोहा को स्कूल से लेने के लिए। और देखें पत्ते कितने पड़े हुए नीचे जमीन पे। 5 मिनट का फासला है बस घर से और बंदा बड़ा आराम से जो है ना वहाँ पहुँच जाता है बच्चों को लेके घर। आयशा का जोहा का जहाँ पे स्कूल है उससे थोड़ा सा आगे आयशे गुल का स्कूल है, लेकिन टाइम का फ़र्क है तो फिर हम बारी बारी जाके लेते हैं। ये देखें चर्च है, ये वे वी आर गोइंग। Where we are going? Show me your cute face. Are you happy? Yeah, I'm happy. Why? Where are you going? Park. Good girl. Let's go. Zohu, whatever you saying?
वेटिंग 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 जो मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि जी पार्क ले जाएं, मुझे पार्क ले जाएं। ऐसे बोल तो वहाँ पर काफ़ी खेल कूद के आती है, क्योंकि वो 6 घंटे या 6.5 घंटे वहाँ पर रहती है। लेकिन जो जो है ना, वो 3 घंटे के लिए स्कूल जाती है, और जब जब वो आती है वो कहती है मुझे पार्क लेके जाएँ। तो फिर आज मरीज जाते हैं, तो हमने सोचा चलें जी आज इसको कुछ कर लेते हैं, पार्क ले जाते हैं। और नाउ यू कैन कम हियर, लेट्स गो सफर, लेट्स गो पिन। दो पिन, योर पिन। लगी थी? हाँ। एक ही पिन थी, दो थी। काफी सारी पिन्स तो थी। लगाए ना भी? हाँ जी, इधर लगानी। सिस्टर को छोड़ के हम आगे पार्क में। ओके, आई एम गोइंग होम। बाय बाय। गोइंग होम? यस। ज़हू? लेट्स गो होम। बाय। यहाँ पे ना बच्चों के बड़े मज़े हैं, एक से एक बढ़ के पार्क है, और इतने अच्छे स्विंग्स हैं यहाँ पे, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट झूले लगे हुए, तो बच्चे जो है ना बड़ा खुश होते हैं पार्क में आके। और ये जो है ना एक अच्छी मतलब इंटरटेनमेंट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जी हम ले कर आ गए हैं ज़ोहा को। ग्रीनरी देखें कितनी खूबसूरत है, इतना खूबसूरत वेदर भी खूबसूरत है, और साथ में जो है ना आजकल ग्रीनरी और सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ है। आगे ठंड में जो है ना, अब आगे बहुत ठंड हो जाएगी, हफ्ता दो हफ्ते ही है अच्छा मौसम, और ये बहुत अच्छा मौसम है, ना ठंड है ना गर्मी है, मतलब एक मीडियम सा मौसम है। Right. 1, 2, 3, go. किधर है डक्स? वही डक्स है नवीद? ये डक्स क्या करने आ रही हैं? शाबाश है। अच्छा वो क्लोज है। हाँ? क्लोज है। निकलो इधर से, निकले निकले नवीद, ये बहुत बड़ी बड़ी डक्स हैं, मुझे डर लग रहा है। पीजन से भी लगता है बाबा को डर। क्या पीजन से डर नहीं लगता? लगता है लगता है, मुझे तो बाबा से भी डर लगता है। देखो मुझे डर लगता है आपको, देखो लेकिन क्यों? मामा तो लेकिन कहती है मेरा छोटा बेटा, ये बड़ा बेटा। साइज भी करके आप दिखाती है ना? साइज करके दिखाओ। नहीं अभी नहीं, अभी तो फ्रेम के ऊपर बैठा हुआ बेटा मेरा, अभी कैसे साइज कर सकते?
Let's go. Tell me, where are the bananas? I don't know. So, you tell me. Where? I don't know, Banana. Where are you crying? I don't know. You tell me. बनाना बाबा लाए थे या नहीं लाए थे ये बताओ. लाए थे मैंने अपनी आंखों से देख लिया था. बाबा पूरा लेकर आए. क्या भाग सकते हैं बनानास? जोहान इधर खड़ा हो ना. इधर खड़ा हो सामने सामने आओ. हैं जब मैंने देखा था तो आपके पास थे बनानास. जी ये था हमारा आज का व्लॉग. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. दुआ में याद रखिएगा. ओके अल्लाह हाफिज़.